मौज उड़ाएं, गुलाल उड़ाएं और रंग लगाएं, हैप्पी होली। आप सभी को केबीसी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 मार्च रविवार से होली महापर्व विधिवत प्रारंभ हो गया। होली को लेकर चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने अपने ढंग से होली की तैयारियों में जुटे हैं। होली महापर्व के पहले चरण में आज सुबह 9:45 बजे अस्थम रोपण कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ा बाजार होलिका दहन समिति द्वारा बड़ा बाजार हटिया परिसर में अस्थम रोपण कार्यक्रम की तैयारियां की गई थी। सुबह 8 बजे से ही लोग अस्थम रोपण स्थल पर पहुंचने लगे थे। इस दौरान होली को लेकर एक दूसरे के साथ हंसी छिटोली भी कर रहे थे। जैसे ही 9:45 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अस्थम रोपण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। चली विधिवत पूजा अर्चना और भक्त प्रहलाद के जयकारे के साथ अस्थम रोपण कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। अभी हम मौजूद हैं कटिहार बड़ा बाजार में। बड़ा बाजार में अभी अस्थम रोपण हो चुका है। इसके बाद ठीक रात के 11:20 पर होली का दहन होगा और कल खेला जाएगा रंगों का त्यौहार यानी कि होली। आइए लोगों से जानते हैं कि होली का त्यौहार को लेकर कितना उत्साहित है और किस तरह से इसको मनाएंगे। आइए लोगों से जानते हैं, होली है कल, किस तरह मना रहे होली को। आज अस्थम रोपण हो चुका है, रात में होली का दहन हो रहा है, कैसे मना रहे, कितना उत्साह होली को लेकर? अच्छा लग रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी पूजा करने आए हैं। कल रंग का त्यौहार है, किस तरह मनाएंगे उसको? मनाएंगे बहुत अच्छा से, बहुत उत्सव के साथ। कैसे मना रहे होली को? कल होली है, किस अच्छे से मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग पूजा करने आए हैं होलिका की। होलिका दहन, आज अस्थम रोपण पूजन किए हैं, रात में होलिका दहन होना, कल होली है, कितना उत्साह है, किस तरह मना रहे होली को? बहुत ज्यादा उत्साह है, होली को देख के, होली के रंग खेलना है, पूजा करनी है, सभी तरह का त्यौहार मनाना है, तो ये बहुत उत्साह है। होली में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं खास करके, इसके लेके भी किस तैयारी है? बहुत तरह की तैयारी है, दाल का सीरा बनना है, बड़ा बनना है, पूड़ी बनना है, काठा दाल भात बनना है, बहुत स्वाली नमकीन वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ बनना है, बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आज से ही लग गए हैं? हाँ, आज से ही लग गए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे अस्थम रोपण में आए हैं, काफी पुराना यहाँ पे, बड़ा हर्ष की बात है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और आज बड़ा बाजार जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, 124 वर्षों से यहाँ पर जो है होली का दहन का कार्यक्रम होता है और यहाँ सारा जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ दुकान वुकान सब लगा रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने प्रतिष्ठान को हटवा करके इस जगह को खाली करते हैं और होली का दहन के बाद ही होली प्रारंभ हो जाता है। तो सब लोगों को, आपके सही जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे कटिहार वासियों को होली का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आइए सब मिल करके होली हर्षोल्लास के साथ, हैप्पी होली, मौज उड़ाएं, गुलाल उड़ाएं और रंग लगाएं, हैप्पी होली। श्यामलाल अग्रवाल हमारे साथ है, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले, हाँ, होली का आज अस्थम रोपण हो चुका है, फिर रात में जो होली का दहन होना है, कल होली है, कितना उत्साहित है, किस तरह मना रहे हैं इसको? नहीं, काफी लोग उत्साहित है। बड़ा या होलिका दहन समिति के द्वारा ये 124वां वर्ष हो रहने जा रहा है, होलिका दहन का कार्यक्रम रखा है। आज प्रातः 8:45 में अस्थम रोपण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है और रात्रि 11:20 में होलिका दहन। निश्चित रूप से बड़ा बाजार में जो होलिका दहन होती है वो सभी समाज के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। हम कटिहार की जनता से अनुरोध करेंगे कि रात्रि 11:20 में जो होलिका दहन कार्यक्रम है, समाज के सभी वर्ग के लोग इस होलिका दहन कार्यक्रम में सम्मिलित हो और आने वाले दिन 25 तारीख को जो होली है, भाईचारा के रूप में, सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में होली मनाने का हम अपील करते हैं। किसी से भी कोई झगड़ा नहीं करे और अपने आप में गला मिल के होली के त्यौहार को संपन्न करें। धन्यवाद।
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो है, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे हम संबंध समारोह। भारत की यही खूबसूरती है, पूरी दुनिया में हम लोग विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही है विभिन्न सभ्यता संस्कृति का। कटिहार के लिए तो फख्र की बात है, 123 24 साल से ये स्तंभ रोपण होता है। आज जो संबत जलेगा रात में, उसके सुबह में यहाँ इसी स्थल पर 123 124 साल से ये स्तंभ रोपण होता है। तमाम लोग, हालांकि ये राजस्थानी पद्धति से की जाती है, जो संस्कार हम लोग का तो यही मिश्रित संस्कार है, मिला जुला संस्कार है, मिली जुली संस्कृति है, यही भारत की संस्कृति है। पूरे तमाम जो यहाँ दो दुकानदार है, स्वेच्छा से यहाँ से अपनी दुकान हटा लेते हैं और यहाँ सुबह ये पूजन होता है, प्रहलाद के रूप में ये स्तंभ रोपण होता है और रात्रि में यहाँ होलिका दहन की जाती है और इसके बाद होली का रंगारंग का त्यौहार, विभिन्न रंगों में लोग सराबोर हो जाता है और जो प्रेम और भाईचारा और मिल्लत और आपसी जो बंधुत्व है और प्रगाढ़ होता है। हमारी शुभकामना है कि कटिहार सहित पूरा प्रदेश और देशवासी होली को प्रेम से, मिल्लत से, सद्भावना से मनाएं और देश में जो सद्भाव है उस सद्भाव को कायम रखें। राम निवास शर्मा जी हैं, प्रोफेसर हैं, ये उनसे जानते हैं क्या कहेंगे होली का। होली आपसी प्रेम सौहार्द का पर्व है। बड़ा बाजार हाट होलिका दहन समिति द्वारा पिछले 124 वर्षों से यहां पर मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी मिल्लत और भाईचारा का प्रमाण यह है कि यहां पर जो दुकानदार साल भर करते हैं लेकिन होली के समय में स्वेच्छा से अपनी दुकानों को हटा लेते हैं और यहां पर होली मनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से पूरे शहर में लोग आपसे प्रेम और सौहार्द से होली मनाएंगे। हम आपको बता दें कि आज रात्रि ठीक 11:20 पर इसी बड़ा बाजार हटिया परिसर में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बड़ा बाजार होलिका दहन समिति पिछले 124 वर्षों से इसी स्थल पर स्तंभ रोपण एवं होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। लोगों का कहना है कि बड़ा बाजार हटिया की यह भूमि एक ऐतिहासिक भूमि है जहां पर 125 वर्षों से होली एवं होली से जुड़े कार्यक्रम लगातार सफलतापूर्वक और पूरे परंपरा के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अभी सुबह 8:45 में स्तंभ रोपण का कार्यक्रम हुआ है, विधि विधान के साथ पूजा के साथ कार्यक्रम होता है। यहाँ महिला लोग आना शुरू हो गया, दिन भर महिला लोग आएगी, पूजा करेगी। रात में 11:20 में होलिका दहन का कार्यक्रम है। पूरे समाज के लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी से निवेदन है शांतिपूर्ण होली मनाएं। और ये होलिका दहन यहाँ पर 124वां साल है, 123 साल से लगातार हो रही है। पूरे बाजार के लोग का सहयोग रहता है, समाज का सहयोग रहता है, KBC महापरिवार भी हम लोग को हमेशा न्यूज कवरेज करता है और हम लोग प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाता है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। MP साहब, कटिहार के MP साहब भी आए हुए हैं, रामपुर शिक्षा मंत्री आप बड़े भाई राम प्रकाश महतो जी भी है और भी अशोक अग्रवाल जी भी है, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सबका सहयोग रहता है, नगर निगम का सहयोग बहुत रहता है, सुबह 5:30 साफ सफाई में लगे हुए हैं वो लोग। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है, पूरी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था वो लोग करते हैं। नगर निगम के चारों तरफ के एरिया को साफ सफाई नगर निगम द्वारा होता है, मेयर द्वारा, SDO अमर झा द्वारा। और खास बात ये है, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में मित्र मंजूर खान जी जो है वो भी सुबह 5:30 से लगे हुए हैं, हर साल लगे रहते हैं साफ सफाई में, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।